ज़ुबिल्लाही मिने शैतवानी वज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम उत्तर प्रदेश की बात करने जा रहे हैं, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अब बड़े ही जोश और खुरोश के साथ आगे बढ़ रही है। एक तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है जो हर तबके को लेकर साथ चल रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो मुसलमानों को नज़रअंदाज करते हुए वहां पर मुसलमानों की क़यादत को कमज़ोर बनाने के इरादे से जिस तरह से वहां पर वो अपने काम को अंजाम दे रही है, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहां पर अब मोर्चा खोल दिया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जाकर वो भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर बनाने के इरादे से उत्तर प्रदेश में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में एक नई सियासत अब पनप रही है और एक नई जज्बात के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी वहां पर अपने काम को अंजाम दे रही है। आज उसी को मद्देनज़र रखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ताकत के साथ और वहाँ के नौजवानों के दिलों में जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के लिए मोहब्बत है, उनको लेकर आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इंशाअल्लाह ताला इसी मोहब्बत और इसी जज्बे के साथ एक नए इनकलाब को उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी पैदा करेगी और वहाँ पर एक नई सियासत को मजलिस जन्म देगी, क्योंकि जिस तरह से अब पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर लगी हुई है और वहाँ का मुसलमान और वहाँ का नौजवान आज मजलिस की और अपनी आशा और उम्मीद को लेकर बैठा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से अब वहाँ की क़यादत और वहाँ पर जिस तरह से अब मजलिस की नुमाइंदगी और जिस तरह से अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में वहाँ के लोग जिस तरह से शामिल हो रहे हैं, आज उसी को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर एक नई उम्मीद और एक नई किरण देखने को मिल रही है। इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपने परचम को लहराएगी और मजलिस एक नई ताकत को वहाँ पर जन्म देगी, तो आप सभी मिलकर मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को वहाँ पर मजबूत बनाएं और अपने इरादों और अपने अज़म के साथ जिस तरह से मजलिस आगे बढ़ रही है, आप उनके हाथों को मजबूत करें और ऐसे ही मजलिस से जुड़ी हुई छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।